हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं अपना एक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच सूजी। सूजी को मैं पानी डाल के थोड़ा सा फूलने के लिए रख दूँगी। उसके साथ ही मैंने लिया है हरी मूंग दाल छिलके वाली, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ देखिए सूजी भी फूल चुका है और दाल का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। दाल को मैंने आधे घंटे तक भिगो के रखा था। यहाँ देखिए मैंने दाल और सूजी में नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मटर डाला है, मटर को पहले ही बॉयल करके रखा था मैंने। कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ बीटरूट डालेंगे। उसके बाद अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हम लोगों को। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनता है। अब मैं इसका चीला बना लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने पहले ही फ्राई पैन में रख दिया था थोड़ा सा तेल, बस ग्रीस करने के लिए। बस इतना सा ही तेल मैं यूज करती हूँ, ज़्यादा तेल यूज नहीं करती हूँ। और इसमें बड़े ही आराम से चीला के लिए डाल देंगे कुछ इस तरीके से और फैला देंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैं पलट चुकी हूँ और ये हमारा यम्मी मूंग दाल चीला बनके तैयार हो चुका है, जिसे मैं धनिया की चटनी के साथ खाऊंगी। और काफ़ी यम्मी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है।